हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम स्टडी डॉट कॉम। ये चौथा दिन है IBPS PO मेगा प्रेपरेशन सीरीज का। तो आज हम करेंगे एस्टीमेशन की टेक्निक्स डेटा इंटरप्रिटेशन में, कैसे हम एस्टीमेशन की टेक्निक्स यूज करके डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करते हैं। विद इन 30-40 सेकेंड्स हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। एंड अगर आप प्री की बात करें, 60 मिनट में 50-55 क्वेश्चन करने, एग्जैक्ट आंसर निकाल के पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल है कुछ जीनियस लोगों के लिए, एवरेज लोग जैसे आपके जैसे या मेरे जैसे हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले, मेरा नाम है रमनदीप सिंह, मैं बैंक एग्जाम स्टडी पे काम करता हूँ। एंड आप प्लीज सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब करें। एंड नीचे आपको हमारा जो टेस्ट है, इस जो भी मैं रोज आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ उसका मैं आपको साथ में टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप प्लीज रेगुलर टेस्ट भी दीजिए और नोट्स भी पढ़िए, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और सॉल्व कीजिए, अपने लेवल पे इसको सॉल्व कीजिए। ये देखिए, 564334 डिवाइडेड बाय 124378। अभी एस्टिमेशन जब हम करते हैं तो आपको पहले ये एक स्किल है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको कितनी एक्यूरेसी चाहिए, जो आंसर्स हैं वो कितनी दूर हैं। अगर मान लीजिए आंसर्स में 4-5% तक का फर्क है तब तो मैं क्या करता, अगर मुझे एक्यूरेसी ज्यादा नहीं चाहिए तब तो मैं सिंपली करता 56 डिवाइडेड बाय 12। तो मैं क्वेश्चन पेंसिल को हाथ भी नहीं लगाता, बिना हाथ लगाए 56 को 12 से डिवाइड कर देता सीधा ही। तो कितना का हमारा आंसर आ जाता, 12 4 48, बचे कितने 8, तो वो अपना बन जाता 8 डिवाइडेड बाय 12 6 7। तो ये मेरा आंसर बन जाता अगर मुझे इतनी एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट ना होती। अगर मुझे होता कि यार आंसर तो बहुत दूर दूर है, एक आंसर 6 है 4% है, एक 10% है, एक 20%, ऐसा कुछ होता, दूर दूर आंसर होते, जैसे कि अभी आप यहां देख पा रहे हैं 4.67 है। तो अगर मुझे एक्यूरेसी की इतनी जरूरत ना होती तो मैं सीधा ही कर देता, देखता ही नहीं। एंड में 4 मिनट बचे हैं 3 मिनट बचे हैं 5 क्वेश्चंस हैं, तो आसपास दूर दूर आंसर्स हैं, तो जल्दी जल्दी कर दो ऐसे। बट अगर हमें एक्यूरेसी की जरूरत है तो क्या होता, थोड़ी सी एक्यूरेसी की अगर जरूरत है एक स्टेप आगे चले जाइए, इतनी डिजिट मत निकालिए, सिर्फ 3-3 डिजिट निकाल दीजिए। चलिए 164 डिवाइडेड बाय 124 अब कीजिए। अब यहां पर भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप ध्यान से गौर से देखें 100 को आप मल्टीप्लाई करें सबसे पहले, मतलब इसको ध्यान से देखें सबसे पहले। अगर मैं यहां पे सोचूं 564 को 124 से अगर डिवाइड करना है तो ये 5 पॉइंट समथिंग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 5 पॉइंट समथिंग अगर निकालेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 5 500, तो 24 तो यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो 4 पॉइंट का तो मुझे देखते सार ही मेरे को आइडिया हो गया कि यार 100 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 400 है ही है अपने पास, बाकी 164 अपने पास बचता है। इसमें अगर 5 से करता तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ये तो मेरे को आइडिया हो गया। लेकिन आपको मैंने पिछली वीडियो में बोला था टेबल्स याद करें, फ्रैक्शन टेक्निक सीखें, आपको वीडियो भी दी थी मैंने, ये दो चीजें करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल्स और फ्रैक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर यहां पे आपको 24 का टेबल आता है तो आप तो आंसर को, मैं कहता हूं बिल्कुल फटाक से आंसर निकालेंगे, आपको एग्जैक्ट जो आंसर मैं आपको बताता हूं, अगर आपको टेबल आता होगा तो आप एग्जैक्ट से निकालेंगे कि भाई सीधा सीधा 164 को आपने डिवाइड करना है 24 से। अगर आपको टेबल एग्जैक्टली आता है तब तो आप एकदम से बता देंगे कि भाई ये इसका आंसर है, अगर आपको नहीं आता है तो फिर फंस गए। तो यहां पे 24 का टेबल याद होना बहुत जरूरी है। इस कैलकुलेशन को देख के लगता नहीं है कि मुझे 24 का या 23 का इन टेबल्स की जरूरत पड़ेगी, मैं तो जी सीधा इतना डिवाइड करूंगा, सीधा डिवाइड करना तो भाई यहां पे पॉसिबल ही नहीं है। यहां पे मैंने बता दिया, अगर मुझे दूर दूर का आंसर चाहिए होता, थोड़ा सा एस्टिमेशन चाहिए होता तो सीधा ही 12 से डिवाइड 56 को, बात खत्म। अगर थोड़ा सा मुझे पास में चाहिए 564 को 124 से, वो भी जब करने बैठो तो 124 का टेबल तो कोई याद नहीं करेगा, 100 का तो आपको याद है ना, 100 मल्टीप्लाइड बाय 4 400, अभी कितना बचता है 24 से डिवाइड करना, आपने 164 को आपने आपको 24 से डिवाइड करना है, क्योंकि 400 तो गया, 164 बचा है।
ऐसे ही सभी लोग ऐसे ही करते हैं, सभी अच्छे स्टूडेंट जो एग्जाम क्रैक करते हैं ऐसे ही अपनी कैलकुलेशन करते हैं। आप देखिए प्रैक्टिस जब आप करेंगे ना, अभी आपको थोड़ा लग रहा होगा कि यार ये क्या हो गया, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिना पेन यूज किए ये पूरी कैलकुलेशन कर पाएंगे। मतलब ये 4.67 तो मैं एवरेज बंदा हूँ, मैं कोई मैथमेटिक्स में जीनियस नहीं हूँ ना। मेरे साथ जो लोग टीचर्स भी बैठे हैं या मेरे पास स्टूडेंट्स जो एग्जाम क्लियर करते हैं वो भी एवरेज हैं सभी। वो कैसे कर पाते हैं? वो सभी लोग ये 4.6 के तकरीबन हर बंदा इसको सॉल्व कर सकता है। इसको देख के मुझे पता चल गया कि 56/12, मैंने ये जो 12.5 के तकरीबन था, ये वैसे देखा जाए तो 12.5 के तकरीबन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 4.67 निकाला, तो मुझे आइडिया है कि मैंने 12.5 से थोड़ा मैं नीचे ले आया हूँ नंबर को, तो मेरा ये जो आंसर है 4.67 से कम होना चाहिए, क्योंकि ये 12 से नहीं 12.5 से डिवाइड होना चाहिए था। लेकिन 12.5 से डिवाइड करना थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लगता, लेकिन अगर मैं इसको 12.5 से करता भी, 12.5 × 4 आ गया अपना 50। चलो इसको थोड़ा और कहता हूं कि थोड़ा और रिफाइन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन को करने के लिए, एक कैलकुलेशन को करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। 56 को अगर मैं 12.5 से भी करता, 12.5 × 4 50 हो गए, 12.5 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो अपने हो गए 50। तो बाकी जितना बचा, हाफ ऑफ 12.5 इज लाइक 6, अभी हाफ ऑफ 12.5 इज लाइक 6.25 समथिंग इतना बनता है, राइट। तो ये मेरा तकरीबन आंसर मेरे हिसाब से 4 ये हो गया, हाफ ये हो गया, 4.5 आंसर मेरा इसके हिसाब से निकलता है। अब ये देखिए, आप जितना थोड़ा सा, अब जितना नंबर्स को रिमूव कर रहे हैं आप आंसर से थोड़ा दूर जाते रहते हैं। आपको डिसाइड करना पड़ेगा पेपर में बैठे बैठे, जब आपको कैलकुलेशन करते करते, कि आपको एक्यूरेसी कितनी चाहिए। आपको 90% एक्यूरेसी चाहिए, आपको 99% एक्यूरेसी चाहिए, आपको 80% एक्यूरेसी चाहिए। अभी यहाँ पे देखिए 80-85% एक्यूरेसी मोल मिल रहा है मुझे, यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए मुझे 90% का एक्यूरेसी मिल रहा है, 95% का एक्यूरेसी मिल रहा है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप कितनी कैलकुलेशन कर सकते हैं, और टेबल जरूर याद कीजिए, फ्रैक्शन जरूर याद कीजिए, दो चीजें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखने में ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, लेकिन डेटा इंटरप्रिटेशन में ये सारी कैलकुलेशंस आपको कंफ्यूज करती हैं, सो आपका मैं बेस स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे देखिए 328 × 118 × 127 करने की कोशिश कीजिए आप अपने लेवल पे। यहां पे अगर मैं आपकी जगह पे होता, अब इसको करने के तरीके हैं, चलिए पहला तरीका एक बताता हूं। पहला तो आप, मैं वो वाले तरीके नहीं कर रहा हूं कि एक एक वर्ड को मल्टीप्लाई करूं, वो नहीं कर रहा हूं। यहां पे कर सकते हैं 328 की जगह पे, इसका नियरेस्ट नंबर देखिए, 328 की जगह पे मैं 330 लिख सकता हूं। 320 लिखूंगा तो बहुत दूर चले जाएगा ना, आपको पास रखना है। 330 लिख सकते हैं और 120 लिख सकते हैं। एक चीज का आपको यहां पर ध्यान रखना है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आप चीजों, आप जो नंबर्स हैं उसको बढ़ा रहे हैं तो आंसर आपका इस नंबर से थोड़ा ज्यादा होगा, तो ये चीजें भी बहुत काम करती हैं। अब यहां पे देखिए, यहां पे मैंने क्या किया, एक सीधा सीधा यहां से चले गया। अभी ये चीज का देखिए, जिस बंदे को फ्रैक्शंस पता है, थोड़ा सा जिसको आइडिया है कि 1/13 की क्या वैल्यू है, अगर आपको 1/13 की वैल्यू का पता है तब तो आप ये क्वेश्चन सीधा सीधा ऐसे ही निकाल देंगे। आपको तो मतलब 5 मिनट की गेम है आपके लिए। आपको थोड़ा सा भी अगर आइडिया होगा कि यार इतनी की वैल्यू होगी नियर अबाउट, अगर मैं बात करूं, मेरे को भी कई बार एग्जैक्टली फ्रैक्शन ध्यान में नहीं रहते, लेकिन इतना तो आइडिया है कि 1/13 तकरीबन 7.5% रहता है, 7.5 × 8% 7.8% होता है, राइट। तो यहां पे मैं क्या करता, अभी मेरे को अगर इसका 92.5% अगर निकालना है तो मैं क्या करता, सीधी सीधी बात है 330 में से 33 माइनस किए 257 आ गया। और अभी बात करते हैं कि 2.5%, इसका 1% 3.3 है, 2% हो गया जी 6.6, तो तकरीबन जो मेरा आंसर आ जाएगा 300, आप कह लीजिए कि मैं ज्यादा गहराई में मैं नहीं जाने वाला, 304 का मेरा आंसर आ जाएगा अगर मैं सीधा फ्रैक्शन से करूं। दूसरी चीज ये आ जाती है, आप डिटेल में जाइए, 330 अगर आपको फ्रैक्शंस नहीं आते, आपने फ्रैक्शन मेरे कहने पे भी अगर आपने फ्रैक्शंस नहीं किए तो आपको सीधा ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कोई चारा ही नहीं है।
तो ऑब्वियसली अगर आप पेपर में बैठे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 330 मल्टीप्लाइड बाय 10, मैं 12 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि फिर थोड़ा 33 का टेबल अगर आपने याद ही नहीं किया तो आपको 12 तक आपने ऑब्वियसली याद नहीं किया होगा। 3300 ऊपर से 33 मल्टीप्लाई बाय 2, 660, तो ये अपना बन जाता है तकरीबन तकरीबन 3960, और इसको डिवाइड करेंगे 13 से। तो यहां पे आप देख लीजिए 13 को 39, उसके बाद 0 आएगा, 6 है और फिर 0 है, ये नियर अबाउट अपना आपका बन जाता है, नियर अबाउट वही 4 पॉइंट समथिंग, ये आपका आंसर बन जाता है। आपने कैलकुलेशन को ऐसे डीपली घुस के नहीं करना है, 302 आ गया, 4 आ गया तो कोई चक्कर नहीं है, हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में जब आंसर लिखे होते हैं वहां पे आंसर लिखे होते हैं, आंसर इसका क्या है, 290 आंसर है, 295 आंसर है, 300 आंसर है कि 305 आंसर है। अगर 304 या 305 आंसर होता तो मैं 305 को टिक करके आ जाता। ये देखने में कैलकुलेशन बहुत सिंपल सी लग रही है, लेकिन डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत सारे लोग इसीलिए अपना टाइम खराब करते हैं, क्योंकि पॉइंट तो जो उसका मेन फंडा होता है वो तो 2 मिनट में समझ आ जाता है। मैं बात कर रहा हूँ प्री लेवल के एग्जाम्स की, NICL वगैरह के एग्जाम्स की, इवन SBI के एग्जाम्स की, उसमें थोड़ी इससे कैलकुलेशन टफ चले जाती है, लेकिन फंडा यही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ज्यादातर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या होती है, वो देखते हैं जी ठीक है सर ने तो बोल दिया कि निकटतम यूज कर लो, निकटतम यूज कर लो, जो कहते हैं नियरेस्ट वैल्यूज के हिसाब से सॉल्व कर लो, तो वो क्या करते हैं जी, ये 3.2 है इसको 3 बना लो, और 1.97 इसको 2 बना लो, और नीचे चाहिए जी 0.2 बना लो, 6 डिवाइडेड बाय ऐसे कर लो, ये 30 आंसर आ गया जी हमारा। तो ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी देखिए यहाँ पे कितनी दूर चलेगी, हमने इतनी कई बार एक्यूरेसी इतनी भी खराब नहीं करनी है। यहाँ पे देखिए ये दूसरा तरीका मैं कर रहा हूं, 3.2 है तो 32/10 कर सकते हैं इसको, और यहाँ पे 2 कर सकते हैं 1.976 का, और नीचे 16 ऊपर 100 ले जाइए। चलिए अभी यहां पे देखिए ये 16 पे जा रहा है, ये 1 हो गया, ये 2 चले गया, चलिए यहां पे ये हो रहा है 10 से, ये भी निकल गया, तो अपना आ रहा है यहां पे नियर अबाउट 40। तो अभी यहां पे देखिए कितना दूर है, नियर अबाउट आप कह लीजिए आपकी 75% एक्यूरेसी रहेगी। आपने 75% एक्यूरेसी टारगेट नहीं करनी है, आपने कम से कम 90% एक्यूरेसी करनी है। जब भी आपने एस्टिमेशन टेक्निक को यूज करना है 90% एक्यूरेसी यूज अपना अप्लाई करके चलिए, 90 के भी मैं 95 ही कहता हूँ, इतना आप एक्यूरेसी ट्राई करके चलिए इसका। वैसे अगर मैं एग्जैक्ट आंसर बताऊँ, एग्जैक्ट तो मेरे पास अवेलेबल भी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से 40 के तकरीबन तकरीबन आंसर होगा। इसको मैं अगर ध्यान से देखूं तो इसका जो आंसर होगा तकरीबन तकरीबन इतना ही होगा, थोड़ा सा कम होगा 40 से, बट दिस इज द आंसर। ये मत कीजिए, इसको नहीं करना, इतनी एक्यूरेसी अपनी खराब मत कीजिए, एक्यूरेसी थोड़ी सी मेंटेन करके चलिए। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, यहां पे करने को जो पहला मेथड है, अगर आप 80-85%, 90-85%, 80% की आप एक्यूरेसी टारगेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 12 लेकर चलें, और यहाँ पे 300 लेकर चलें, और यहाँ पे सीधा 0.5 अगर लेकर चलें, तो देखिए बहुत सिंपल हो गया। इसका 0.5 का मतलब हाफ होता है, तो अब पकड़ के चलिए इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, कितना रह गया, क्वेश्चन में तो कुछ बचा ही नहीं, तो अब सीधा सीधा अगर पकड़ के चलें तो इसका आंसर जो हमारा निकल के आता है तो ये आएगा 3600 मल्टीप्लाइड बाय 2, 7200 आपका आंसर। लेकिन ये आपका आंसर बहुत दूर चले जाएगा, एक्यूरेसी बहुत सफर कर गई यहाँ पे। तो अगर आपने 0.45 का 0.50 बना दिया, अगर 0.45 से अगर आप 0.50 बना देते हैं, आपने तो सीधा आप कह लीजिए 10% का वेरिएशन यहीं पे ले आए, 10% का वेरिएशन यहां पे हो गया आपका, 5-7% आपका हो गया, आई थिंक 5% का वेरिएशन यहां पे हो गया, यहां पे आप कह लीजिए कुछ एक 2-4% का, अपने 2-4% का भी नहीं है, less than 1% का वेरिएशन यहां पे हो गया, तो आप टोटल कह लीजिए आपका 10 और 15, 15-20% का आपने वेरिएशन ले आए यहां पे। इतना वेरिएशन नहीं लाना है, ये गलत है। सही तरीका अगर मैं कहूंगा तो यहां पे 12.5 लेकर चलिए, क्योंकि 12.5 को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1/8 इज इक्वल टू 12.5, तो 300 अगर हम करते हैं तो हमारी एक्यूरेसी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 0.45 का 45
मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो हम सीधा सीधा कर पाएंगे। तो आपको एक चीज बताता हूं, 12.5 का मतलब होता है 100/8। अगर आपने फ्रैक्शन ढंग से किए हैं तो आपको यह पता होगा, मल्टीप्लाइड बाय 300 मल्टीप्लाइड बाय 100/45। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो पहले तो इसको काट दें, ये 100 हो गया, ये 15 हो गया, उसके बाद इसको और काट सकते हैं, फिर इसको 20 रह गया, ये 3 रह गया, इसको और काट लीजिए, ये रह गया अपना 2, ये रह गया अपना 5। तो इसके बाद आप देखिए आपका कितना आंसर आता है, आप तकरीबन तकरीबन पकड़ लीजिए 50,000 है, नीचे आ गया 6। अभी आप ट्राई कीजिए 6, 8, 3। आपका तकरीबन तकरीबन आंसर जो मैं इस थोड़े लंबे मेथड से मैं पकड़ के चल रहा हूं तो 8300 मेरा निकल रहा है। एग्जैक्ट आंसर जो है वो है 8400 के तकरीबन। तो यहां पे चेक कीजिए, थोड़ा सा मैंने फ्रैक्शन को अगर याद कर लिया, फ्रैक्शन और टेबल्स याद करने बहुत जरूरी हैं, ये क्वेश्चन से और पिछले क्वेश्चन से भी आपको पता चलता है, फ्रैक्शन और टेबल पे बेस्ड है सारा एस्टीमेशन टेक्निक। अगर आपको फ्रैक्शन नहीं आते, टेबल्स नहीं आते, तो आपका वेरिएशन देख लीजिए 8400 आपका एग्जैक्टली, अगर 8411 आई थिंक आंसर था इसका, एग्जैक्ट आंसर मेरे पास अवेलेबल हाँ है, 8411 आंसर था इसका एग्जैक्ट। और ये वेरिएशन देखिए कितना वेरी कर गया, 8411 से आप आई थिंक अगर एग्जाम में आया भी होगा, ऑप्शंस ऐसे होंगी 7,000, 7,500, 8,000, 9,000 ऐसी ऑप्शंस होगी, आपने तो बहुत दूर चले गए ना यार, गलत कर गए, ये नहीं करना है आपको, इतनी दूर नहीं जाना है। कोशिश कीजिए थोड़ा आंसर को आप पास रखिए, एस्टिमेशन लगाना है, इतना भी गंदा एस्टिमेशन नहीं लगाना है, ये तब लगाना है तो आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है और ऑप्शन थोड़ी दूर है। एक और ये बिल्कुल एग्जाम लेवल की है, बिल्कुल आप कह लीजिए NICLAO के एग्जाम में जब मैं एज अ स्क्राइब बैठा था तो ये उसका ये क्वेश्चन है 16.6%। ये फिर से मैं फ्रैक्शन वाला एक फंडा लेकर आ रहा हूं, 16.6% आपको अगर याद होगा 1/6 = 16.6%, तो 1/6 of 1724 / 8500। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 1724 को आप 1700 कर दीजिए, 6 नीचे ले आइए, 85 यहां पे है, 17 के टेबल पे ये बिल्कुल जाता है, तो 1/30 का क्या वैल्यू होता है, 3/1/3%, बहुत सिंपल। तो ये है वैल्यू। तो अभी तक आपने क्या सीखा, अभी तक आपने ये सीखा जो मैं पहली वीडियो से आपको बोलता आ रहा हूं कि टेबल सीखिए, फ्रैक्शन सीखिए, ये दो चीज आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेबल्स मैं तो कहता हूं आप अप टू 40 के टेबल्स आप जरूर याद कीजिए, वैसे रट्टा भी मार लेंगे तो इट्स ओके, रट्टा मारने को खास फायदा नहीं होगा, रेगुलर जब आप एस्टिमेशन की टेक्निक को यूज करेंगे, आप रेगुलर जब भी क्वेश्चन करते हैं आप कोशिश करेंगे कि ऐसी एस्टिमेशन की टेक्निक अगर आप यूज करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सारे के सारे टेबल्स याद हो जाएंगे। और अगर आप फ्रैक्शंस की ऐसी टेक्निक्स को रेगुलरली आप अगर जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप रेगुलरली फ्रैक्शन की टेक्निक को यूज करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये सारे फ्रैक्शंस याद हो जाएंगे। इससे भी कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन आप कह लीजिए 8/17 क्या होता है, आप इसको भी बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, ये सारी प्रैक्टिस की चीज है। तो आप देखिए इतनी डिफिकल्ट, अगर आप डिफिकल्ट नहीं कहूंगा, टाइम कंज्यूमिंग जो आप कह लीजिए कैलकुलेशंस हैं उनको आप एक दो स्टेप्स में कर रहे हैं, ये एक दो स्टेप्स में आपके लिए कर रहा हूं। अगर मैं खुद एग्जाम में बैठा होता या कोई अच्छा स्टूडेंट एग्जाम में बैठा होता तो वो तो इन कैलकुलेशंस के लिए सिर्फ अगर पेन यूज भी करता है तो थोड़ा सा आप कह लीजिए बिल्कुल ही 4-5 words लिखेगा और उसका ये कैलकुलेशन हो जाएगा। देखिए अगर ये कैलकुलेशन अगर अभी मैं आपको बोलूं, ऐसी कैलकुलेशन भी अगर मैं आपको बोलूं तो आप घर बैठ के कीजिए, अभी ट्राई कीजिए, जैसे आप अभी तक अपने मेथड यूज करते हैं एज अ बिगिनर तो आपका आंसर बहुत दूर आएगा। आपने कोशिश करना है 95% की एक्यूरेसी रखनी है बट चीजों को क्वेश्चन को स्मार्टली सॉल्व करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। 60 मिनट में अगर आप 60 क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपको एस्टिमेशन यूज करना पड़ेगा। ये टेक्निक को आप
ट्राई कीजिए। मेरा आई थिंक मेरा टेस्ट लेने का भी इसमें कुछ बनता नहीं है, कुछ पॉइंट नहीं बनता। आप अपने लेवल पे कुछ भी उठपटांग आप क्या कह लीजिए कैलकुलेशन की या प्रॉब्लम्स निकालिए। ये मैंने खुद से बनाई है सारी प्रॉब्लम, ऐसे ही आप मल्टीप्लाई, डिविजन, आप परसेंटेज, ये सब चीज़ों का खुद से क्वेश्चन बनाइए और कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिए उसको। पहले खुद से सॉल्व कीजिए, अपना आंसर कैलकुलेटर पे मैच कीजिए। अगर आपका जो आंसर है जो आपने निकाला है और कैलकुलेटर में 90% से ज्यादा का आपका एक्यूरेसी है, अगर 95% से ज्यादा का एक्यूरेसी है, तब तो बहुत अच्छी बात है। तब तो मैं कहता हूं कि इस चीज को आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। अगले 2-3 दिन के लिए अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। इवन आप स्क्वायर रूट को भी ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्यूब रूट को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने परसेंटेज फ्रैक्शंस को ज्यादा प्रैक्टिस किया, लेकिन आप इस चीज को काफी आगे लेकर जा सकते हैं। अगली वीडियो में मैं स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये सबको साथ में कवर करूंगा। इस वीडियो में मैंने इसलिए नहीं किया ताकि मैं चीजों को कॉम्प्लिकेट करना नहीं चाहता था। इस वीडियो को ध्यान से देखें, ये सब क्वेश्चन, ये सब जो, ये कोई ट्रिक नहीं है। पहली बात, ये कोई ट्रिक नहीं है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्वेश्चन करने बैठते हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, उन्हें डाउट होता है कि यार 304 आंसर होगा कि नहीं होगा, मेरे हिसाब से ज्यादा कम हो सकता है। अपना वेरीफाई करने के लिए आंसर, वो अपना टाइम खराब करते हैं, ऐसे नहीं करना है। एस्टिमेशन की प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे आपकी एक्यूरेसी जो है स्टार्टिंग में 80% एक्यूरेसी आएगी, फिर 90, फिर 95। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका धीरे धीरे एक्यूरेसी 98-99% तक चले जाता है। मेरा प्रैक्टिस करने के बाद, इतनी प्रैक्टिस करी है मैंने काफी 4-5 सालों से, मेरा 96-98% तक एक्यूरेसी आता है। लेकिन मेरे पास एक टीचर थे मिस्टर संतोष करके, लेकिन अभी वो IDBA में चले गए हैं, वो 99% तक एक्यूरेसी अचीव कर लेते थे बड़े आसानी से। आप 80% से शुरू कीजिए। 2 महीने आपने तैयारी करनी है, कमांड के क्वेश्चन करने हैं, रीजनिंग के करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। 2 महीने में मैं यकीन दिलाता हूं 90% से ज्यादा एक्यूरेसी तक आप आराम से पहुंचेंगे। इवन 95 तक पहुंचना मुश्किल नहीं है, और ये सारी जिंदगी की बात है। जब आसपास के लोग आपके कैलकुलेटर्स यूज कर रहे होते होंगे, आप एक ह्यूमन कैलकुलेटर बन जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वो कीजिए, ताकि फ्यूचर की जो वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। एंड GK डाइजेस्ट जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है हमारी, ये जरूर इंस्टॉल करें। सबसे जरूरी है GK डाइजेस्ट की एंड्रॉयड एप्लीकेशन, ताकि आपको हमारा जो GK के रेगुलर कैप्सूल्स हैं, GK की रेगुलर अपडेट्स है, करंट अफेयर्स है, बैंकिंग, कंप्यूटर अवेयरनेस, इन सबके नोट्स में जो प्रोवाइड करता हूँ वो आपको मिलते रहें। एंड डिस्क्रिप्शन में मैं IBPS PU मेगा प्रिपरेशन सीरीज का जो लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जो पूरा फुल फ्लेज हमने क्विजेज, मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल सबका एक पूरा कोर्स बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगा। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे प्लीज कॉमेंट कीजिए। आपने जैसे नोटिस किया होगा, अगर आप ये मेरी वीडियोज रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। रात को 9-9:30 बजे आपको ये वीडियो मिलेगा, एंड रात को इवन 10 बजे से लेके 11-11:30 बजे तक मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। इवन सुबह उठ के भी मैं सारे जो कमेंट्स है उसका रिप्लाई करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, कल दोबारा मुलाकात होगी तकरीबन 9:30-10 बजे। चलिए, हैव अ नाइस डे।